पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। विजिट divinevastu.net। डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट। नमस्कार 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 लिसनर्स, वेलकम टू रेडियो जिंदगी 1550 AM एंड 99.7 FM HD3। मैं हूं आपके साथ में ईरा, और शो लेके आए हैं आपके लिए डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जी हाँ, वही शो जहाँ पे 2 से 3 बजे तक हमारे साथ में होते हैं वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी, और 3 से 4 बजे हमारे साथ में जुड़ती हैं रेवा कुमार वास्तु, स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। जो लोग रितेश जी से बात करना चाहते थे लेकिन फोन नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, अब आप उन्हें फोन कर सकते हैं उनके सेल फोन पे, विच इज 510-931-3107। और अब वक्त होता है जब हम बात करेंगे रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट से, हु हैज ऑलमोस्ट 31-32 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ वास्तु, और इंडिया में जाने माने गुरुओं के साथ में उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव स्टडी किया है इस साइंस को। तो कोई भी सवाल अगर आपके पास होते हैं वास्तु को लेके कि वास्तु क्या है, वास्तु क्यों है और क्यों फॉलो करना चाहिए, क्या फायदे होते हैं, तो डेफिनेटली जो लोग हमें बहुत टाइम से सुन रहे हैं वो इन सब सवालों का जवाब जानते हैं, लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं प्लीज डू फील फ्री टू कॉल ऑन द स्टूडियो नंबर एंड हैव योर डाउट्स क्लियर बाय रेवा जी। कोई भी सवाल आप पूछना चाहते हैं, नो क्वेश्चन इज टू बिग और टू स्मॉल, जरूर फोन करें, चाहे वो बेसिक क्वेश्चन ही हो। कई बार लोग हमें पूछते हैं कि आप डायरेक्शंस के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्शंस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, डायरेक्शंस को कैसे हम देखें, तो इट इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, बट डू नॉट बी अशेम्ड ऑफ आस्किंग एनी क्वेश्चन। डू कॉल इन एंड फाइंड आउट कि आपका जो घर है वाई इट हैज टू बी वास्तु कम्प्लायंट, आपका जो वर्क प्लेस है वाई इट हैज टू बी वास्तु कम्प्लायंट, एंड वाई जस्ट ऑफिस, इट कुड बी एनी प्लेस जहां पे आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड करते हैं अपने दिन का, अपनी रात का, चाहे वो आपका वर्क प्लेस हो लाइक अ गैस स्टेशन, लाइक अ होटल, मोटेल, कन्वीनियंस स्टोर, जो भी आपका वर्क प्लेस है दैट शुड बी वास्तु कम्प्लायंट। चाहे वो आपको अगर आपको अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, काम एक्सपैंड करना है, एवरीबडी वॉन्ट्स कि बहुत ही स्मूथली काम बढ़ता रहे, प्रोग्रेस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, इन सब के लिए वास्तु कम्प्लायंट होना बिल्डिंग को बहुत जरूरी होता है। एंड इफ यू वर्क इन अ कॉर्पोरेट, इफ यू हैव अ क्यूबिकल इन द ऑफिस, इवन दैट कैन बी मेड वास्तु कम्प्लायंट, डजंट हैव टू बी द एंटायर बिल्डिंग, इट हैज टू बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो लिसनर्स डू कॉल इन एंड आस्क योर क्वेश्चंस, 510-270-8830 इज द स्टूडियो नंबर, दैट्स 510-270-8830। और हमेशा की तरह हमारा रैफल भी होगा, हमारे पास में आज 3 प्राइजेस हैं देने के लिए, और एक प्राइज रहेगा ऑफकोर्स हमारे रॉयल राइस स्पॉन्सर की तरफ से, 1 राइस बैग फॉर 1 विनर, देन 1 विनर विल गेट 1 टिकट फॉर अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट, एंड 1 विनर विल गेट 2 टिकट्स फॉर हाजिर, जिसमें आ रहे हैं पद्मश्री हरिहरन एंड उस्ताद जाकिर हुसैन साहब। तो ये हमारे 3 प्राइजेस हैं, और कॉलर्स को कुछ नहीं करना है, आपको राइफल में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ स्टूडियो नंबर पे फोन करना है, रेवा जी को एक सवाल पूछना है, देन रेवा जी विल आस्क यू 1 क्वेश्चन एंड यू हैव टू गिव द राइट आंसर एंड यू एंटर द रैफल। बहुत सिंपल है, 510-270-8830 इज द स्टूडियो नंबर, और रेवा जी से डायरेक्टली बात करने के लिए आप डायल कर सकते हैं 510-868-3338, दैट्स 510-868-3338। यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू हर वेबसाइट विच इज divinevastu.net, और सेंड हर एन ईमेल divineavc@gmail.com। तो ये बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, हमारे सभी लिसनर्स आपको भी मेरा प्यार भरा ढेर सारा नमस्कार। जी हाँ, ईरा ने जैसे कि आपसे कहा कि डायरेक्शंस देखने के लिए कई बार हमारे को प्रॉब्लम्स आती हैं, तो बहुत मेहनत करके, बहुत लंबे इंतजार के बाद में हमने आपके इंतजार को पूरा किया। तो जितने भी लिसनर सुन रहे हैं, उठाइए फोन, चाहे आपके पास में आईफोन है एप्पल का, चाहे एंड्रॉयड है आपके पास में, इमीडिएटली आप डाउनलोड कर सकते हैं, दैट इज ऐप को डिवाइन वास्तु ऐप।
डिवाइन वास्तु ऐप आप कीजिए इमीडिएटली, हमारा लॉन्च कर दिया गया है। आप सबको मैं बहुत बहुत मुबारक देती हूँ और खुद के लिए भी आपसे मुबारक ले लेती हूँ। कंग्रेचुलेशन रेवा जी, सबके बिहाफ पे मैं आपको बोलती हूँ। थैंक यू ईरा। अब आप इसको कीजिए और उसमें आप अपने घर का देख सकते हैं कि क्या डायरेक्शन आ रहा है, क्या गलत है, क्या ठीक है। और फिर आपको कुछ नहीं समझ आए या डिटेल्स नहीं समझ आए तो डिवाइन वास्तु इज ऑलवेज देयर टू टेक केयर, लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। तो आप उस फोन के लिए अब आपकी कोई इश्यूज नहीं है कि आपको कंपास लेना है या इधर उधर भागना है। बहुत ही इजी है, आप अपने घर पे खड़े होंगे और आप उसमें डाउनलोड करके डिवाइन वास्तु ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिस इज फॉर आईफोन एंड एंड्रॉइड बोथ। और सबसे बड़ी बात है, दिस इज ओनली द वन, डिवाइन वास्तु इज ओनली द वन, द फर्स्ट वन, कि जिसने, लोगों ने ऐप तो कई बनाया है, ऐसा कहूँ कि नहीं बना, पर जो ये ऐप है दिस इज टोटली डिफरेंट। ओके, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, जो आपको काफी बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। Alright. तो इसलिए मैं आप सबसे जरूर चाहूंगी कि आज आपकी ये प्रॉब्लम तो हमने आपकी सॉल्व कर ही दी। सेकेंड, हमारे आपके कई बार इश्यूज आते हैं कि रेवा जी हमने आपका शो मिस कर दिया, तो उसके लिए भी आपके पास में पॉडकास्ट है, आप जाइए जितना मर्जी पुराना शो आप हमारा सुन सकते हैं। ऑलराइट, अब आती है रक्षाबंधन का जी। सैटरडे को रक्षाबंधन है, आप सबको डिवाइन वास्तु की तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत मुबारक हो जी। और इसी तरह जीवन में आपके लाइफ में हार्मनी रहे, स्पेशल सिबलिंग्स को लेके, सिस्टर ब्रदर्स को लेके आपस में बहुत हार्मनी होना जरूरी है, तो इसके लिए हमेशा हम आपको कुछ विशेष देंगे जी। तो रेवा जी, आपने कहा कि ऐप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, तो मैं यहां तक भी कहूंगी, मैं आई विल टेक द लिबर्टी टू से कि लिसनर्स, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, उसे यूज कीजिए। इनफैक्ट कोई फीडबैक है अगर आपको लगता है कि इसमें ये और चीज ऐड की जा सकती है तो जरूर हमें बताइए। ऑलवेज वेलकम, दे आर ऑलवेज वेलकम। इसमें हमेशा हम आप सबका स्वागत करते हैं कि कभी भी अगर आपका कोई भी एडवाइस है या कुछ भी आप हमारे को बताना चाहते हैं तो यू गाइज आर बी फील फ्री टू ज्वाइन अस। हमें आप बताइए, हमें ईमेल करिए कि आप कैसे चाहते हैं, अगर हम और भी इम्प्रूवमेंट चाहते हैं तो हम उसको भी करने की जरूर करेंगे। बिल्कुल, रेवा जी का ईमेल एड्रेस है डिवाइन एवीसी, ए फॉर एप्पल, वी फॉर विक्ट्री, सी फॉर चार्ली, इट्स नॉट एबीसी, इट्स एवीसी वास्तु, avc@gmail.com, divineavc@gmail.com। उनकी वेबसाइट है divinevastu.net, जहां पे जाके आप एक कमेंट भी उन्हें ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर याद न रहे तो आप मुझे ईमेल भेजिए ira@radiozindagi.com, आई लेट यू नो हाउ यू कैन रीच रेवा जी, ira@radiozindagi.com। और फिर से बता दूं कि स्टूडियो का नंबर है 5102708830, 5102708830, एंड टू रीच रेवा जी यू कैन डायल 5108683338। जी रेवा जी, तो आज हम किस बारे में बात कर रहे हैं? आज की मैं एक बहुत ही अच्छी केस हिस्ट्री में भी मैं बात करना चाहती हूँ। ऑल राइट, रिसेंटली केस हिस्ट्री में बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैं लास्ट वीक आई वॉज इन ह्यूस्टन ऑल्सो, और मैं वहां विजिट पे भी थी। तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि लिसनर्स, हम आपसे हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है, ईस्ट फेसिंग घर बहुत अच्छा होता है जी। लेकिन कहीं पे मैं आपसे ये कभी नहीं कहती कि साउथ फेसिंग आप घर मत लीजिए। देखिए कि आपकी वो डायरेक्शन या डिग्रीज कितनी मैटर्स करती हैं। रिसेंटली जब मैंने विजिट किया, दो प्रॉपर्टीज पे विजिट किया, मैं सबसे पहले तो एक प्रॉपर्टी पे बताना चाहूंगी कि इट वाज साउथ फेसिंग हाउस, साउथ फेसिंग घर था, और साउथ वेस्ट नहीं था, साउथ ईस्ट नहीं था, लेकिन यही घर साउथ फेसिंग जब ये घर था तो वो घर अगर देखती तो मेरे को 99% दैट वॉज अ वास्तु कंप्लाइंट हाउस। ओके, और सबसे ज्यादा उसकी खूबसूरत देखिए कि भगवान की दया से साउथ फेसिंग है, नॉर्थ की तरफ में से पूरी लेक जा रही है, और उनका जो पेटियो है उसका लेवल बिल्कुल नीचे है और पेटियो लेक के बीच आ रहा है। सो यू सी कि अगर हमारा नॉर्थ में जहां हम आपको बोलते हैं कि वाटर फाउंटेन लगाइए, वहां बोलते हैं वाटर पेंटिंग्स लगा दीजिए, ब्लू कलर दीजिए या सी ग्रीन कलर दे दीजिए, कोई जरूरत नहीं थी वहां पे। प्लस मास्टर बेडरूम एंटर करते ही उनके लेफ्ट साइड में नहीं हुआ, एक बेडरूम है नीचे, लेकिन पेरेंट्स को जहां एडवाइस दिया जाता है कि मास्टर बेडरूम में सोएं, उसके लिए फायदा हुआ। प्लस आगे जो किचन है वो भी साउथ ईस्ट में आती है, ईस्ट टूअर्ड साउथ ईस्ट, दैट वॉज नॉट 100% ऑफ द साउथ ईस्ट कॉर्नर क्योंकि वो गैराज की एंट्रेंस थी, बट नेक्स्ट टू द ईस्ट टूअर्ड साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल ओपन है, लेवल बहुत ही खूबसूरत है, वहां पे पूजा का घर भी है। कहने का ये तात्पर्य कि अगर आप ये सोचते हैं कि साउथ फेसिंग घर नहीं हमें लेना चाहिए, ऐसा नहीं है, नहीं, साउथ फेसिंग घर भी आपको लिसनर्स बहुत फायदा देते हैं, लेकिन अगर बाकी चीजें भी हमारी एस वास्तु प्रिंसिपल्स हों कि जैसे इस घर की थी, अब इन्हीं घर का
उनका जो प्रीवियस हाउस था वहां पर कैसा हुआ, मैं वो आज अपने केस हिस्ट्री करना चाहती हूँ। व्हेन दे पीपल वर इन कैलिफोर्निया, यहाँ पर ही थे, हमारे बे एरिया में ही थे जी। जब वो बे एरिया में थे तो उन्होंने एक बार किसी वास्तु कंसल्टेंट को सेट कीजिए, वो वास्तु कंसल्टेंट है, आना चाहते थे, विजिट कराया जी। अब देखिए कि क्या बताया जाता है, उनको ये बोला क्योंकि उनका साउथ वेस्ट फेसिंग था, बोला कि साउथ वेस्ट फेसिंग आपका घर है और नॉर्थ ईस्ट में आपका मास्टर बेडरूम है प्लस साउथ ईस्ट में किचन नहीं है, तो आपके घर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ रही है, तो आपको उसको क्या करना है, ब्लैंकेट, मतलब कि आपने ब्लैंकेट के द्वारा उस रेज को आपने खत्म करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को, कंबल के साथ में ओके। और कंबल के साथ में क्या करना है कि जो आप कॉपर वायर हमने काट दी है, कॉपर वायर से हमने आधा हिस्सा काट कर, उन्होंने कोई एनर्जी शिफ्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, कॉपर वायर से आधा रिश्ता काट दिया और उसको ब्लैंकेट को रख दिया वहां पर कि जी आप यहाँ पे ब्लैंकेट बिछाएंगे तो इससे उसकी जो नेगेटिविटी है वो ब्लैंकेट ऑब्जर्व कर जाएगा ओके। ये मतलब है कि ये गलत है Okay. क्योंकि ब्लैंकेट का उसमें कहीं रोल नहीं है, ये कहीं रोल नहीं है कि आप उसको कॉपर वायर से काट के आपने उसे एनर्जी को काट दिया। अगर आप कॉपर वायर यूज करते भी हैं तो पर्टिकुलर आपका वो आउटर अर्थ से लेते हुए आपको एनर्जी को काटना है जी। लेकिन उसके साथ एनर्जी को शिफ्ट भी करना है, जहां पे अगर आप ये सोचते हैं कि आप अगर ब्लैंकेट के साथ में लेंगे और उनको बोला कि जी अगर आप कभी भी जब भी सोचना इस पोर्शन में सोएंगे क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, तो वहां की हमने एनर्जी को कॉपर वायर से काट दिया और वहां पे आप सिर्फ ब्लैंकेट को नीचे जमीन पे रखिए, उसके ऊपर में बेड लगाइए, तभी हो सकते हैं। दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा कहीं पे भी तरीका नहीं है, किसी वेद शास्त्रों में किसी जगह पे भी नहीं है क्योंकि पहले वास्तु थ्योरेटिकल करके ही आपने प्रैक्टिकल किया ना इसको जी, जी। पहले तो जमाने में कोई प्रैक्टिकल नहीं था, जो लिखा हुआ था तब भी वास्तु था, हजारों साल पहले, आज भी है और हमेशा रहेगा कि जैसे हमारे ये पांच तत्व ये सच्चाई है, उसी तरह ये वास्तु की भी सच्चाई है। तो आपने अगर ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा या आप किसी लेचर एंटीना के द्वारा या ईएमएफ फिल्टर के द्वारा में आप वहां घर के ऑरा स्कैन कर सकते हैं या ऑरा को चेंज कर सकते हैं, तो वहां पर आपको ये बिल्कुल गलत गाइड किया जाता है, बिल्कुल गलत बेवा को बनाया जाता है। कहीं पे भी ऐसा कहीं नहीं है वास्तु डिफेक्ट को दूर करने का तरीका, वास्तु डिफेक्ट्स को आप दूर कर सकते हैं। पहले तो आप ये देखिए कि उसका डिफेक्ट है क्या, क्या वो डिफेक्ट आपकी लाइफ में इफेक्ट्स क्या लेकर आ रहा है, क्या वो अच्छे हैं या क्या बुरे हैं। जरूरी तो नहीं है कि हमारे को बुरा ही हो ही रहा okay. अच्छा भी तो हो सकता है ना, कि जब वास्तु कई बार अच्छा होता है, कि जैसे मैंने अभी आपसे ये घर के बारे में बात की कि अब साउथ फेसिंग घर है, नॉर्थ में है तो नेचुरली है वहां उनको पॉजिटिव एनर्जी आएगी आएगी। स्लोप ऑफ द लेवल साउथ टू नॉर्थ हो गया, वाटर एलिमेंट नॉर्थ आ गया, नॉर्थ वहां बिल्कुल ओपन है, कॉस्मिक एनर्जी दे रहा है जी। वहां पे उनका लॉफ्ट बना हुआ है नॉर्थ की तरफ, वहां से फायदा ले रहे हैं, जस्ट रूम बना है। नॉर्थ ईस्ट दे आर हैविंग ए बिग हॉल जो उन्होंने पूजा की जगह बना दी है। साउथ वेस्ट लेते हैं तो दैट इज ऑल्सो ओपन, देर इज नो टॉयलेट, देर इज नो रेस्ट रूम अंडर द स्टेयर्स, तो वो घर हमको कैसे फायदा नहीं देगा। तो मेरा ये कहने का मतलब है आप सबसे लिसनर्स कि अगर हमारे को कहीं पे भी अगर उसका वास्तु का कोई डिफेक्ट होगा तो वो आपकी लाइफ में अच्छे भी, अगर डिफेक्ट नहीं है तो अच्छा असर देगा, अगर है तो कहीं थोड़ा नेगेटिविटी देता है, तो दैट कैन बी इजिली रेक्टिफाई विद अ प्रॉपर लॉजिक, आप कह सकते हैं रेक्टिफिकेशन सोल्यूशन आते हैं, वहां आप उसको एनर्जी शिफ्ट करके आप फायदा उठा सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि कहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कहीं जियोपैथी स्ट्रेस है और आप उसको लेचर एंटीना से, ऑरा स्कैनर से, ईएमएफ मीटर से या कभी ब्लैंकेट के साथ ठीक कर सकते हैं, तो इट इज टोटली रॉन्ग। रेवा जी, ऑन दिस पॉइंट आई वुड ऑल्सो रिमाइंड द लिसनर, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, और जिस तरह से रेवा जी बोल रही थी कि रेक्टिफिकेशन मेथड्स होती हैं, और जरूरी नहीं है कि जब आप रेक्टिफाई करना चाहें तो आपको डिमोलिश करना हो या रिकन्स्ट्रक्ट करना हो या रेनोवेट करना हो। वास्तु डिफेक्ट्स विद डिवाइन वास्तु कैन ऑल्सो बी रेक्टिफाइड यूजिंग डिवाइन टेक्निक्स, डिवाइन टूल्स, एंड दे डू नॉट इंक्लूड रिमॉडलिंग या उसको तोड़फोड़ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ डिवाइन टूल्स, डिवाइन टेक्निक्स की मदद से इसको जरूर ठीक किया जा सकता है। और इस सब के लिए जरूर कांटेक्ट कीजिए वन एंड ओनली रेवा जी को। स्टूडियो का नंबर है 5102708830। वी वर गेटिंग अ कॉल एंड दैट लेडी वाज ऑन होल्ड, बट आई थिंक द कॉल गॉट ड्रॉप बिकॉज वी वर डिस्कसिंग द केस स्टडी। बट लिसनर डू कॉल एंड प्लीज डू कॉल अस अगेन 5102708830। And the number to reach Revaji directly after the show is 5108683338. Revaji, I think the caller is with us again. Aiyen se baat karte hain. Hello, you're on air with Revaji. Hello.
हेलो रेवा जी, मैं मधु बोल रही हूँ। जी मधु जी नमस्कार। जी मैं रेवा जी आपको पूछ रही हूँ कि ये जो मेरे को अपनी मेरे हेल्थ के ऊपर मेरी बॉडी के ऊपर इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो ये क्या कोई वास्तु का प्रॉब्लम है? अभी मेरे घर में ना ये उन्होंने अपार्टमेंट में उन्होंने सारे कलर चेंज किए हैं बाहर से, राहु हो जो ब्राउन कलर कर दिया, कहीं व्हाइट कर दिया, कहीं ग्रीन कर दिया। देखिए अगर आप इंडिविजुअल आपका घर है या सभी अपार्टमेंट्स है तो उसका कोई फर्क नहीं है, लेकिन घर के अंदर का देखिए कि आप कहाँ सोती हैं। अगर बार बार आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं तो जरूर साउथ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं कुछ डिफेक्ट्स हो सकता है जिसकी वजह से आपको सीरियस हेल्थ इश्यूज हैं। मैंने रेवल जी अपने बेडरूम में ना मल्टी कलर के बल्ब लगाया है, आप प्लीज निकाल दीजिए। मुझे नहीं पता कि आपका वो बेडरूम का डायरेक्शन क्या है, लेकिन अगर आपने कोई भी मल्टी कलर के बल्ब्स हैं वो निकाल दीजिए। अब तो आपके पास में फोन है, आईफोन लीजिए, डिवाइन वास्तु ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप देखिए कि आपके घर की क्या डायरेक्शंस हैं। That will help you a lot, Madhu ji. Well, thank you so much, Madhu ji, for calling in. बाकी listeners आप भी जरूर फोन करके रिवा जी से सवाल पूछ सकते हैं। 5102708830, that's 5102708830। और मैं फिर से बता दूं कि जितने भी callers फोन करके सवाल पूछते हैं रिवा जी से और रिवा जी के सवाल का जवाब भी देते हैं सही सही, they will enter a raffle and we have 3 prizes today to give away. One is 1 ticket for Arijit Singh's concert, one is 2 tickets for Hazir, पद्मश्री हरिहरन एंड उस्ताद जाकिर हुसैन का जो कॉन्सर्ट है हाजिर, एंड वन प्राइज विल बी रॉयल राइस बैग। लेट्स टेक अ नेक्स्ट कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। नमस्ते जी। नमस्ते जी। मैं पूछना था, मेरा मम्मी बीच में रहती है ना, होम दिन मैंने के काम करता तो उसका जो सर करती है ना 7 वर्ष है। जी बहुत अच्छी बात है। नहीं दैट्स गुड, अगर वो साउथ ईस्ट में सर करके सोती है तो बहुत अच्छा है। साउथ ईस्ट है तो गलत है, साउथ ईस्ट में सर करके नहीं सोना चाहिए। हाँ तो मम्मी मेरा फिजी में है ना, हम दिन में को गांव जी हाँ, तो आप उन्हें एडवाइस करिए कि साउथ ईस्ट में सर करके बिल्कुल नहीं सोएं। तो बोलते हैं मूव नहीं कर सकते ना बाथरूम में शायद, तो आप कोशिश करिए कि उनका वेस्ट की तरफ मूव कर दीजिए सर को। अगर नहीं कर पाए, किसी कारणवश नहीं कर पाए, तो एटलीस्ट दीवार से और बेड से 6 इंच दूर उनका बेड लगाइए और जो साउथ ईस्ट कॉर्नर है वहाँ ग्रीन कलर का एक नाइट बल्ब लगा दीजिए। साउथ ईस्ट का जी, साउथ ईस्ट ग्रीन लाइट जी। जी अगर मूव कर सके साउथ वेस्ट की तरफ बेड तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं किसी कारणवश कर पाए तो बेड से दीवार के बीच में 6 इंच का फर्क होना चाहिए। थोड़ा बेड को आगे मूव करें, दीवार से टच नहीं करें और साउथ ईस्ट में ग्रीन कलर का नाइट बल्ब लगाइए, वो आपको काफी हेल्प करेगा। हाँ जी जी। तो अब रेवा जी आप सवाल पूछना चाहेंगे? जी हाँ, मैं आपसे सवाल एक पूछना चाहूंगी, क्या हमारे को नॉर्थ की तरफ सर करके सोना चाहिए कि नहीं? नॉर्थ की तरफ सर करके सोना चाहिए या नहीं? नहीं जी। क्या कह रहे हैं आप? नहीं सोना चाहिए सर, नहीं सोना चाहिए। थैंक यू जी, बिल्कुल आपने सही कहा। आपका शो, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं प्रेमा से बोल रही हूँ, मेरा मम्मी फिजी में है। क्या नाम है आपका जी? अर्चना। अर्चना, ओके, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग अर्चना जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हाँ जी, मैं मधु बोल रही हूँ रेवा जी, मैं एक कॉल कर गई थी। जी रेवा जी, आप सवाल पूछने वाली थी। हाँ जी, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाह रही थी कि अगर आपका बिजनेस है तो बिजनेस में सीईओ को कौन सी डायरेक्शन में बैठना चाहिए? कहाँ साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में बैठना चाहिए। और बिल्कुल सही, ऑल राइट मधु जी। मधु जी आपका शो रेवा जी जानते ही हैं, हमारी तो कॉल्स की बोनी ही मधु जी के कॉल से होती है। राइट, बिल्कुल सही जवाब। तो मधु जी थैंक यू फॉर कॉलिंग, आपने पार्टिसिपेट किया है रैफल में। बाकी लिसनर्स को भी याद दिला दें कि जब आप फोन करते हैं 5102708830 पर फोन करें प्लीज, 5102708830। हमारे जितने भी कॉलर्स फोन करते हैं, आप यू कैन आस्क वन क्वेश्चन टू रेवा जी एंड देन रेवा जी विल आस्क यू वन क्वेश्चन, उसका सही सही जवाब अगर आप देते हैं तो हमारे रैफल में एंटर करते हैं। 5102708830 इज द नंबर। और जब आप रैफल में एंटर करते हैं, वी हैव 3 प्राइजेस टू गिव अवे टुडे, 1 टिकट फॉर अरिजीत सिंह, 1 टिकट फॉर हाजिर एंड 1 टिकट फॉर अरिजीत सिंह, 2 टिकट्स फॉर हाजिर आई एम सॉरी एंड 1 रॉयल राइस बैग। तो रेवा जी, यू नो बिफोर वी टेक आवर नेक्स्ट कॉलर, आप जब बोलते हैं कि घर ईस्ट फेसिंग या साउथ फेसिंग होना चाहिए,
चाहिए, तो हमें उस डायरेक्शन में फेस करना चाहिए, घर में घुसते टाइम या घर से निकलते टाइम? घर से बाहर निकलते टाइम, घर से बाहर निकलते, क्योंकि हम बोलते हैं कि विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग। अगर आप अपने एंट्रेंस डोर पे खड़े हैं तो आप किस डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं? अच्छा, फिर विच डायरेक्शन योर एंट्रेंस डोर इज फेसिंग। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका दरवाजा राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में एक्सट्रीम करके होता है, या कई बार एक साइड में आप कह सकते हैं साइड में से आकर भी आपको घर के अंदर आना होता है। तो यू हैव टू सी, तो आपको जो आप अपना डाउनलोड करेंगे इस ऐप को, तो आपको एंट्रेंस डोर पे भी खड़े होकर देखना होगा। अभी रिसेंटली मैं फ्रेमोन में मैंने विजिट किया कि घर का जो डायरेक्शन फेस कर रहा है दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, लेकिन जो दरवाजा है वो ईस्ट की तरफ से मेन एंट्रेंस हो रहा है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ विच डायरेक्शन योर हाउस इज फेसिंग। मेरा अगला सवाल यही होने वाला था। लेट्स टॉक मोर अबाउट दिस, लेट्स टेक दिस कॉलर। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? हेलो, आई थिंक कॉल हैज ड्रॉप, प्रॉब्ली द कॉल गॉट ड्रॉप, बट लिस्टनर हमें जरूर वापस फोन करें। 5102708830 इज द नंबर, 5102708830। जी रेवा जी, सो आई वाज आल्सो गोइंग टू आस्क यू कि अगर नॉर्थ में घर फेस कर रहा है लेकिन दरवाजा साइड की तरफ है तो उसको क्या कहेंगे? लेकिन पहले ये कॉल ले लेते हैं। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, आप प्लीज रेडियो बंद करेंगे बैकग्राउंड में। हेलो, हाँ जी, हाँ, मुझे एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछना था। मैंने एक मनी प्लांट लाया है, प्लीज गो अहेड। मनी प्लांट जी, और वो घर के दरवाजे के बाहर रखा है, तो इज इट मोर बेनिफिशियल अगर वो घर के अंदर रखे या घर के दरवाजे के बाहर हैंगिंग बास्केट में लगाना तो चलता है? जी नहीं, हैंगिंग बास्केट में भी अगर लगाना चाहें तो कुछ भी या वैसे रखें तो मनी प्लांट को हमेशा घर के अंदर लगाना चाहिए। और इसको लगाने का भी नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट तक की डायरेक्शंस है, वहाँ कहीं पे भी लगा सकती हैं आप। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मेरा नाम चकोरी है। जी चकोरी जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? सेंटा क्लारा से। जी सेंटा क्लारा से। चकोरी जी, अगर एक सवाल मेरी तरफ से आपके लिए, अगर हमको मनी प्लांट लगाना हो तो कौन से कलर का नीचे वास होना चाहिए? जिस पॉट में, जिस गमले में लगाते हैं उसका कौन सा कलर होना चाहिए स्पेशली फॉर मनी प्लांट? नॉट श्योर, अगर शायद ग्रीन या ब्राउन। ग्रीन श्योर नहीं है आप किसी भी चीज के लिए? सो यू सेड ग्रीन और ब्राउन, सो मे बी पिक वन कलर। ग्रीन, शी इज नॉट श्योर, यस, पर लेकिन आपने अगर तुक्का भी लगाया है तो ग्रीन ठीक है, क्योंकि नॉर्थ के लिए कहीं पे भी हमें ब्राउन कलर नहीं देना चाहिए। तो आपका जो मनी प्लांट है अगर आप उसको ब्लू या ग्रीन कलर के आवास में लगाएंगे या पर्पल में लगाएंगे तो दैट्स वेरी गुड, ओके, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द मनी विद द वॉटर। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन चकोरी, प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू वेरी मच। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, हाँ जी, प्लीज गो अहेड। हेलो रेवा जी, नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं रीना बोल रही हूँ फ्रीमॉन्ट से। जी, मुझे पूछना था कि मेरे जो बेडरूम में नॉर्थ साइड में क्लोजेट है उसमें बड़ा बड़ा मिरर है, तो मैंने उसमें आपके शो को सुनकर के कर्टन तो लगाया है, लेकिन कर्टन किस कलर का लगाना चाहिए वो मुझे कन्फर्म करना था। बहुत ही अच्छा सवाल है रीना जी, बिल्कुल आपका नॉर्थ की अगर वॉल पे मिरर है, क्लोजेट पे मिरर है, तो सोते वक्त हमारी बॉडी पे रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको वहां पे कर्टन लगाना है कोई भी कलर का कर्टन लगाइए, सी ग्रीन कलर का बहुत अच्छा है, लाइट वॉयलेट कलर का, लाइट पर्पल कलर का लगा सकते हैं, लाइट स्काई कलर है वो लगा सकते हैं। रेड कलर नहीं लगाइए, ब्लैक कलर नहीं लगाइए, ब्राउन कलर नहीं लगाइए, ना ही कोई थिक कर्टन लगाइए। मैंने ब्राउन कलर का ही लगाया हुआ है। चलिए आपने निकाला, उसको चेंज कर दीजिए, इट्स नॉट बिग, चेंज कर दूंगी, उसको आप चेंज कर दीजिए। तो रीना जी, जल्द से एक चीज और भी बता दीजिए, बच्चों के स्टडी रूम में टीन एज बिलो, आप कह सकती हैं कि 16 इयर्स, बिलो 16 इयर्स तक के बच्चों के बेडरूम में अगर मिरर लगाएं कि नहीं लगाएं, लगाएं तो कहाँ लगाएं या बिल्कुल नहीं लगाएं? नहीं, बच्चों के स्टडी रूम में ये मिरर नहीं होना चाहिए। मिरर नहीं होना चाहिए, थैंक यू। रीना, कब से शो सुन रही हैं आप हमारा? मैं तो रेगुलर सुनती हूँ, बस कभी कभार ही अगर कुछ कहीं जाना हो तो रह जाता है, नहीं तो मैं सुनती जरूर हूँ। और क्या बेनिफिटेड है आपसे? अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम, थैंक यू। क्या बेनिफिटेड है, टिप्स जो भी लेती हैं, जो भी समझती हैं, क्या उससे आपको? जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल।
होता फायदा। थैंक यू रीना, गॉड ब्लेस यू, फायदा होता है। थैंक यू रेवा जी। थैंक यू रीना, स्टे ट्यून्ड। हम थोड़ी देर में शो के ऑलमोस्ट एंड में हम विनर्स अनाउंस करेंगे, प्लीज स्टे ट्यून्ड। हेलो यूर ऑन एयर विद रेवा जी। Hi there. I would like, this is Rhea from Fremont. I would like to know, is it good to keep a flute made out of bamboo tree in your temple? A flute made out of bamboo tree in your temple? No, it's not advisable. It's not advisable? It's not advisable. Okay, thank you. And what, there's one question from my side also, dear. Rhea? Yeah. Which direction is best to keep temple? Northeast. Wow. Before you could finish your question, Revaji, she had the answer with her. Correct. Yes, sure, right. Oh, thank you so much for calling in, Rhea. You have entered a raffle and we will announce the winners in about, I think, 15 minutes. Okay, stay tuned. Thank you so much. Thank you very much for calling in. Listeners, aapke paas bhi chance hai, aapke paas bhi time hai. Zarur phone kijiye 5102708830. That's 5102708830. That's the studio number. Aap phone kijiye aur raffle mein enter bhi zarur kijiye. Reva ji, kya wajah hai ki mandir mein bansuri nahi rakhte? Bansuri to Krishna Bhagwan ki hoti hai, right? Mandir mein bansuri nahi rakhte hain. अगर बांसुरी आपको रखनी भी है तो एक कृष्ण भगवान के साथ में अगर आपको रख रहे हैं तो वो है, लेकिन मंदिर के लिए नहीं है। भगवान की जगह के साथ में अगर हम रखते हैं तो छोटा सा, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि पूरा बांसुरी जिसके साथ में बैम्बूज के साथ में वाली है, दैट इज नॉट द राइट प्लेस। चांदी का, मेटल का आप सिर्फ एक छोटा सा बांसुरी भगवान के पास में रख सकते हैं। बैम्बूज का अगर आप फ्लूट रखना चाहते हैं तो इट शुड ऑलवेज नियर बाय द बीन्स, जो बीम्स है, हाँ, बीम्स को रेक्टिफाई करने के लिए है। अदरवाइज अगर आप बांसुरी को मंदिर में फ्लूट को, वुडन फ्लूट को रखते हैं तो वो आपको बहुत नेगेटिव रिजल्ट देती है। रीजन बिकॉज दैट इज द वुड, वुड है, वुड को कहीं पे भी हम नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं दे सकते हैं। पानी के बीच में अगर आप वुड डालते हैं तो वो गल जाएगी, आपका नुकसान होगा। लेकिन अगर आप वहीं पे अगर आप मेटल का रख देती हैं रिया, तो वो आपको बहुत फायदा देगी। सो अगर भगवान के आगे रखना चाहते हैं तो चांदी का छोटा सा बांसुरी या मेटल का बांसुरी रखिए, दैट इज वेरी गुड। अवॉइड बैम्बूज वन। अगर बैम्बूज का फ्लूट रखना चाहते हैं तो इट हैज टू बी हैंग नियर बाय द बीम एरिया, द बीम एरिया। सो रेवा जी, व्हेन यू से मंदिर में लकड़ी नहीं रखते हैं, सो जिसमें लोग अगरबत्ती जलाते हैं, वो सब, वो भी बिल्कुल मना है? ऐसा है, दैट इज डिफरेंट। अगरबत्ती के बीच में होते हैं क्योंकि हम उसको जला रहे हैं। फ्लूट है, दैट इज द सिंबल ऑफ गॉड, दैट इज द सिंबल ऑफ गॉड। तो उसमें अब क्या कहते हैं, कहते हैं कि अगर भगवान की आप पिक्चर भी रखना चाहते हैं या फोटो रखना चाहते हैं सबसे अच्छा है, या अगर आप रखना चाहते हैं तो उसको आप मेटल में रखिए। अगर मेटल में नहीं रखना चाहते तो दूसरा में, जिसमें आप उसको पूरा फायदा ले सके, उससे ब्लेसिंग्स ले सके। लेकिन वुड को जितना भी आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली जितनी वुड आप कम रखेंगे उतना फायदा है। अब जैसे ये गणेश है, गणेशा को अगर हम रखना चाहते हैं, अगर आप वुड का गणेशा नॉर्थ ईस्ट में रखेंगे आपको उस एनर्जी से कोई फायदा नहीं है। वही गणपति अगर आप साउथ वेस्ट में रख देते हैं क्योंकि वो उसको एलिवेट कर देगा, वुड उसको हैवी कर देगा एंड अर्थ एलिमेंट है, तो दैट विल हेल्प अस लॉट। That will help us. Okay, all right. So that does answer my question, and Rhea, I hope it does answer your question also. Listeners, do call in 5102708830. You can call in and ask Reva ji a question about Vastu or a general question. You could definitely clear your doubts about Vastu. 5102708830 is the studio number. Please do not call on the 1550 number right now. It's temporarily out of service. So 5102708830 is the number. Or Reva ji se directly baat karna chahein, to aap unhe phone kar sakte hain on 5108683338 par. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, मैं संध्या बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था कि वो एक ब्रिक, गोल्ड ब्रिक रखने की बात होती है साउथ वेस्ट कॉर्नर में, जी, फॉर हाउसिंग एंड प्रॉपर्टी, जी। तो गोल्ड ब्रिक तो यहाँ पे शायद नहीं मिलती है यूएस में, तो उसकी जगह क्या हम कोई भी गोल्ड का सिक्का या संध्या, जो बहुत ही अच्छा सवाल किया, मैं कई बार दिवाली के टाइम पे भी स्पेशल सभी लिसनर्स को बताती हूँ कि अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं, घर लेना चाहते हैं, अपनी प्रॉपर्टी बनाना चाहते हैं, ये मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि चलती फिरती बात, अजमाई हुई बात है ये 200%। अगर आप गोल्ड की ब्रेक साउथ वेस्ट के साउथ में रखते हैं, घर के अंदर, घर के साउथ वेस्ट के साउथ में गोल्ड की ब्रिक रखते हैं, तो आपका इमीडिएटली आपके घर अपना घर बनता है। अब आप कहती हैं ब्रिक, ब्रिक कैसे है कि ब्रिक शेप में जो क्वाइन मिलता है, रेक्टेंगल शेप, गोल्ड बार मिलती है, दैट इज द शेप ऑफ ब्रिक।
ओके रेक्टेंगुलर जी, रेक्टेंगुलर आप उसको रखिए, लेकिन कहाँ रखिए, साउथ वेस्ट के साउथ पे। पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिल्कुल उसके पीछे बाथरूम नहीं होना चाहिए, राइट में बाथरूम नहीं होना चाहिए, मतलब कि उस वॉल के साथ में बाथरूम नहीं होना चाहिए, ये जरूर ध्यान देखें। राइट ओके ठीक है थैंक यू। संध्या जी एक सवाल मेरी तरफ से जल्दी से, आई थिंक संध्या का कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया, बट संध्या इफ यू लाइक टू पार्टिसिपेट इन द टैफल प्लीज डू कॉल अस बैक, रेवा जी हैज टू आस्क यू अ क्वेश्चन। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, व्हाट्स योर नेम एंड व्हाट्स योर क्वेश्चन? माय नेम इज हरेश गिडवानी। जी बताइए। माय क्वेश्चन इज दैट ए व्हाट। हेलो रेवा जी, इनका कॉल शायद डिस्कनेक्ट हो गया, बट प्लीज डू कॉल अस बैक। हेलो, यू आर ऑन एयर। हेलो। यस या हाय, मैंने भी सीमा जी। सीमा जी कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं किपर्टिनो से। जी बताएं। मेरा क्वेश्चन था, अभी आपने बोला मनी प्लांट के लिए पॉट, लेकिन जो ग्लास में होता है तो उसके लिए भी कलर होता है क्या? देखिए, आप ग्लास में भी रखना चाहिए, अगर आप ब्लू ग्लास में या सी ग्रीन कलर का ग्लास रखेंगी तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे मेरा ऑलरेडी उसमें काफी सालों से है, जो आप उसको रख सकते हैं, लेकिन हाँ उसमें वाटर है, लेकिन उसमें भी पेबल्स में डाली है। पेबल्स नहीं डालने हुए हैं, लेकिन सिर्फ वो पानी के अंदर। पानी के, देन इट इज ओके। ओके, सेकंड क्वेश्चन मेरा ये था, अभी आप बोल रहे थे कि नॉर्थ में वुडन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में मंदिर रखा है वो वुड से ही बना हुआ है। देखिए, अगर आप मेटल और वुड दोनों मिक्स करके लगाती हैं तो बहुत ही फायदा है, लेकिन अगर वुड है, वुड के साथ में आप मेटल की कोई भी चीज उसको रखिए तो वो बैलेंस कर देगा। मेटल जैसे कि मंदिर भगवान रखे हुए, भगवान जी रखे, भगवान मेटल में भी कोई भी एक मेटल का भगवान रख दीजिए आप उसके अंदर, और उसके बैलेंस है। राइट, लड्डू गोपाल जी एंड दैट्स वेरी गुड। आपने वही लड्डू गोपाल जी के साथ में एक छोटा सा मेटल का बांसुरी रख दीजिए उनके साथ में, वो ऑलरेडी है उनके कपड़ों के तो साथ। बहुत अच्छी बात है। तो सीमा ठीक है जी। सीमा जी, एक जल्दी से सवाल मेरी तरफ से आपको है। सीमा जी, अगर हमको कहीं पे भी साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम मिल जाता है वास्तु के हिसाब से, जो नहीं कहते कि सही है, और हम चेंज नहीं कर पा रहे, तो अगर मैं आपको बोलूं कि आप कलर पेंट कर दीजिए, तो आप कौन सा कलर करेंगी? डिफिकल्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं पता। बहुत इजी है सीमा। नहीं पता। नहीं पता, चलो मैं बताती हूँ, अब याद कर लीजिएगा, फिर मैं कभी पूछूंगी जरूर आपसे यही। सीमा, हमेशा देखिए साउथ ईस्ट फायर एलिमेंट है, तो अगर आप फायर एलिमेंट आवाज सोचेंगे तो घर में आपस में पर्सनल रिलेशन में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स, इश्यू, झगड़ा रहता है, तो आपको वहाँ फायर एलिमेंट है तो ये मतलब नहीं है कि रेड कलर दे देंगे जी, लाल कलर, अगर लाल कलर देंगे तो आग और भड़केगी। हमको वहाँ क्या करना है, लाइट सॉफ्ट पिंक कलर देना है, पिंक बिकॉज पिंक इज रिलेटेड विद द वीनस। वीनस कौन है? घर की फीमेल लेडीज, तभी वो फायर के साथ जुड़ी एनर्जी से होती हैं। तो अगर आप उसको शांत करने के लिए सॉफ्ट कलर का ऑफ वाइट कलर, सिल्वर कलर, पिंक कलर देती हैं, या वहां पे कंफर्ट्स रखती हैं या कर्टन्स रखती हैं, तो वहां की फायर एलिमेंट को बैलेंस कर सकती हैं। थैंक यू, योर वेलकम। थैंक्स, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन। एंड उसके साथ में हम लेते हैं हमारा अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। Yes, my question is, yes sir, what direction should be the main entry of the house, position number one? But invariably 99% of the time we come in and out of the garage, which turns out to become our main entry. So is there any relationship there? Yes, you're right. The question is very good. Yes, first of all, we have to see which direction the main entrance door. The main entrance door always should face towards the north, northeast and east. This is according to Vastu principle. But it depends... Wait. North, northeast and what? East. East. Yes. So that's the main door. Yeah, that is the main door. Okay, now go ahead, please. But it depends on your zodiac sign also. That according to zodiac sign, which element, quality and planet is there. According to that, we guys let you know which direction is favorable for all of the family members. Secondly, now you are saying that the most of the time, 99%, 100% we people are using the garage direction, and that is totally opposite. Yes, but if they are having the direction west, there is no problem. But after that, you have to use your main entrance door. Might be you are using the garage entrance 10 times, 2 times, 4 times. But after that, try to use your main entrance door, because that is the mouth of the house. That is the head of the house. So if it is facing towards the north,
north, east and east, you are getting more cosmic energies. Why? How you will get the cosmic energy if you will close the door? That's why we advise you can use the entrance door from your backyard, you can come from the garage, but after that you have to focus on your entrance door also. And always avoid southwest facing house and the southeast. I always say avoid, but it can always be rectified, there's no problem. But also I'll add one more thing. I have been hounded by bad health since 1980. But with the mercy of God, God bless you. Every time I have come out successful, and it's been 1980, so it's been almost 35 years. Yes. And I'm really touch wood good. God bless you. We are so happy. But is there a certain angle where I should have my bed, which is probably the wrong one? DSC, God bless you. And I don't know which direction your entrance door is or which direction you're having your bedroom and all these things. But see, you are saying that you are having good results and good health is there if sometime happens. But after that, you are getting good results. God bless you for this. Let me know which direction your house and which direction you are sleeping. But according to Vastu principles, we should, our head should always towards the south direction, because north is the head direction, is the, our head is also the north pole of the body, and from the north we are getting the magnetic energy that you have to always avoid. If you are getting the positive cosmic vibes from feet to head, that will always helpful to you. So the head should always towards the south while sleeping, and we shouldn't have any window or door behind us. Yeah, in the sleeping quarters. Very good. Thank well, you, dear. Now, if I want to use your services, I call you. Do you come to the home and do it for a, on a fixed fee basis or is a variable basis? Sir, I would suggest that you discuss the fee structure off the air, because this is not the right platform where you should be probably discussing, right? Who do I call? I will give you the number. Please note it down. Yes. The number is 510. Yes. 868. Yes. 3338. Great. 3338. Okay. That's right. And you can also log on to Revaji's website, which is divinevastu.net. Revaji Divine Vastu. Yeah, just now, look, or you could actually look up Revaji Divine Vastu on Google, or just go to the website divinevastu.net and you'll find all information about her, okay? Okay, and I'm entered in your drawing also? Yes. Now you will, because Revaji will ask you a question, and if you get the right answer, you will enter in the draw. Sir, your good name, from where you are calling, and your good name? My name is Harish Gidwani. Harish Gidwani. I'm calling you from South San Francisco. From South San Francisco. Okay, dear. I just want a very simple question from you. I know you must be quite aware with this Vastu science. What are the five elements of nature? Can you let us know, please? Five elements of nature, like water, earth, sky, flowers, gardens. These are the components of everything related to nature. Earth, water, the sea, sky. What else can I say? The air, so, air, and air we breathe, and three he's given right. You've given three right, so just get us two more right. Two more. Yes, you've said earth, you've said water, you've said air. Yeah. Water, air, sky, earth. Yes, what are the two next? Two more. Water, earth, air, sea. How about this? Oh, that's sea water. Is water, yeah. Man. That is again water. Love, human body, what else could I say? But he did his sky actually. Yeah, he has done, but the three answers, three for the night. Five elements of nature. Air, you're right, breathe, we breathe. Water, mm-hmm. And the most important is fire. 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 Air, air, water, fire, earth, fire, and space. Right, and yes. space. These five elements of nature are very important, because the Vastu based only on these five elements of nature. That's why we define that Vastu is a blend of five elements of nature with the help of
10 planets. Who resides in? Who resides in? Yes, because all the directions. Ten, yes. With the help of who resides in 10 directions of your house, who helps to enhance the 7 chakras, and that is from northeast to southwest. So Reva ji, Hariji did get more than 50% right. Does he enter the raffle or not? Of course. He does enter the raffle. All right, Harish ji, congratulations. आपने raffle में तो enter कर लिया है. अब बस हम आपके call के बाद में थोड़ी देर में announce करने वाले हैं winners कौन कौन हैं. तो do stay tuned. All right. Thank you. And what is your name? I am Ira. Ira. I-R-A, Ira. I-R-A, Ira. Yes. Yeah, good. All right. Ira, thank you. Thank you very much for calling in. Well, that was a very informative question answer round, I would say. क्योंकि कई लोग उनका बहुत सवाल वैलिड था रेवा जी के मेन डोर तो बहुत ही रेयरली यूज करते हैं. आना जाना तो गाड़ी से ही होता है. बिल्कुल होता है. लेकिन अभी लिसनर्स अगर आपने कहीं पे भी ऐप के द्वारा अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप गैराज की एंट्रेंस पहले नहीं देखिएगा कि कहीं आप सोचे कि मैं तो गैराज से आती जाती हूँ तो वहां का एंट्रेंस देखिए तो वो पूरा डायरेक्शन आप गलत कर जाएंगे. आपको मेन एंट्रेंस डोर जो आपके घर का दरवाजा है, मेन एंट्रेंस डोर जो आपके घर का माउथ है, जिसको हम कहते हैं ना घर का माथा है, जो घर फेस कर रहा है, आपको वहां से खड़े होकर आपको ऐप से देखना है कि हमारी कौन सी डायरेक्शन है. और उसके साथ साथ आपके घर में सेंटर में खड़े होकर कंपास को नीचे रखिए, जमीन पे रखिए, तो यू विल इजली गेट और आपकी पूरी रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी. फिर आपका कोई सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं जहां हम आपको सब कुछ बताएंगे. डेफिनेटली रेवा जी, हम यू नो वी वर गेटिंग अ कॉल व्हेन आई थॉट मे बी हम आज का लास्ट कॉल लेते बट आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अवर शो. आप फटाफट रैफल करवा लीजिए. मैं सभी लिसनर्स को आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स और रैफल प्राइजेस बता देती हूँ. लिसनर्स, वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द रैफल. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड ट्यूनिंग इन. जितने भी हमारे रैफल में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और हमारे 3 विनर्स होंगे. एक को मिलेगा अरिजीत सिंह कॉन्सर्ट का 1 फ्री टिकट. एक को मिलेगा हाजिर के 2 फ्री टिकट जिसमें हैं हरिहरन एंड उस्ताद जाकिर हुसैन साहब. और तीसरे विनर को मिलेगा रॉयल राइस की तरफ से 1 फ्री राइस बैग. और रेवा जी से अब आप कांटेक्ट करना चाहें तो प्लीज फोन करें 510-868-3338. दैट्स 510-868-3338. यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू हर वेबसाइट divinevastu.net एंड यू कैन ऑल्सो सेंड हर अ प्रिलिमिनरी ईमेल मे बी ऑन डिवाइन AVCA फॉर एप्पल, V फॉर विक्टर, C फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com. रेवा जी, डू यू हैव द विनर्स नाउ? जी हाँ, हमारे को जिन्होंने कॉल किया था आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया है. फ्री मोन से अर्चना जी ने कॉल किया, मधु जी ने कॉल किया, हमारे को चोखरी ने कॉल किया, सेंटा क्लारा से रीना जी फ्रॉम फ्रीमोंट, रिया फ्रॉम फ्रीमोंट, संध्या जी ने हमें कॉल किया कुपुटिनो से, उसके बाद में सीमा ने हमें कुपुटिनो से कॉल किया, संध्या जी ने किया, हरीश कोलवानी जी ने हमारे को कॉल किया साउथ सैन फ्रांसिस्को से. लेकिन जो आज के हमारे विनर्स थे उन विनर्स के बीच में से हमारे 3 विनर्स हमने सिलेक्ट किए हैं. जी जी. सबसे पहले विनर देखिए, इसमें मैंने कोई पार्शियलिटी नहीं किया क्योंकि जो रेफल होता है आपके सामने खुद ही होता है ना. तो जो हमारा शो आ रहा है जाकिर हुसैन वाला जी, आपका हाजिर शो आ रहा है, उसके जो 2 टिकट्स के विनर है मिस्टर हर्ष गोदवानी, हरीश गिडवानी जी, साउंड लास्ट कॉलर. जी लास्ट. ओ नाइस, कांग्रेचुलेशंस हरीश जी, आपको मिलते हैं हाजिर के 2 फ्री पासेस मिलते हैं. सेकेंड जिन्होंने अरिजीत का 1 टिकट विन किया है, शी इज रिया फ्रॉम फ्रीमोंट. रिया कांग्रेचुलेशंस, 1 टिकट फॉर अरिजीत सिंह, यू लकी गर्ल. एंड द थर्ड जिन्होंने राइस बैग किया है अर्चना फ्रॉम फ्रीमोंट. ऑल राइट अर्चना जी, कांग्रेचुलेशंस, यू गॉट 1 फ्री राइस बैग फ्रॉम रॉयल राइस. और रिया गॉट 1 फ्री टिकट फॉर अरिजीत सिंह. एंड हरीश जी, यू गॉट 2 फ्री पासेज फॉर हाजिर. और जितने भी विनर्स हैं, कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू. मुझे जरूर ईमेल भेजिए ira@radiozindagi.com. दैट्स ira@radiozindagi.com. एंड डेफिनेटली आई लेट यू नो हाउ यू कैन क्लेम योर पासेज, क्लेम योर प्राइज. एंड उसके साथ में बस वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ अवर शो हियर. रेवा जी, आज के कोई क्लोजिंग थॉट आज का शो खत्म करने से पहले? आज का करने के लिए मैं जल्दी से टिप देना चाहूंगी रक्षाबंधन के ऊपर. मैं रक्षाबंधन में देना चाहूंगी, अगर आप अपने ब्रदर सिबलिंग्स के साथ में बहुत हार्मनी चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू टाई द रेड थ्रेड. रेड थ्रेड को जरूर किए बिकॉज द रेड थ्रेड ऑलवेज रिप्रेजेंट्स द फायर एलिमेंट. ओके. रेड और फिर बाकी और गोल्ड. लेकिन अगर आप ब्लू कलर या येलो लेती हैं तो उसको जरूर अवॉइड करिए, ग्रीन को अवॉइड करिए. रेड कलर का थ्रेड अपने ब्रदर को जरूर लगाएं और वो भी राइट हैंड पे लगाइए, वो आपको फायदा करेगा. उसको लगाइए. दैट्स ऑल द बेस्ट और विश यू वेरी वेरी हैप्पी रक्षाबंधन. और इसी तरह खुश रहिए, आगे बढ़ते
दे रही है, खाते रहिए, पीते रहिए और जीवन में एंजॉय करते रहिए। रेवा जी, वन स्मॉल क्वेश्चन जाते जाते, क्या कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन है जहाँ पे बैठ के करना चाहिए, धागा बांधना चाहिए? अगर आप करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, खासतौर पे अगर आप साउथ ईस्ट को छोड़ के ईस्ट की तरफ में कर रही हैं तो दैट्स वेरी गुड। और अभी अभी हमारे पास जल्दी से वास्तु की जो ईमेल आया है, जिन्होंने ऐप यूज किया, दैट इज अ किनी प्रभाकर, आपने यूज किया है क्रिनी प्रभाकर और आपकी रिपोर्ट मेरे सामने आ गई है। समय तो आगे बढ़ता जा रहा है। आपका क्वेश्चन है प्रेयर रूम के लिए और आपका यू हैव प्लेस प्रेयर रूम इन द नॉर्थ डायरेक्शन, ये आपका आ रहा है। मेन एंट्रेंस है, योर मेन एंट्रेंस इज ऑल्सो इन ईस्ट डायरेक्शन। स्टेयर्स के बारे में है, योर स्टेयर्स इज ऑल्सो इन ईस्ट डायरेक्शन। किचन आपकी नॉर्थ वेस्ट में है, जो एक्सपेंडिचर्स को बढ़ा रही है। तो ये रिपोर्ट आपकी आई है, लेकिन इसकी जो फाइनल रिपोर्ट है आपको नीचे इसका सारा रिजल्ट दिया हुआ है और डिटेल्स है, तो आप हमसे कॉल कर सकते हैं। डेफिनेटली द नंबर टू कॉल इज 5108683338, 5108683338। इसके साथ में अभी के लिए आपसे लेते हैं इजाजत। आप मिल सकते हैं रेवा जी को सुबह ट्यूसडे की सुबह 8:30 से 9 बजे और ऑफकोर्स थर्सडे की दोपहर को 2 से 3 रितेश जी के साथ में और 3 से 4 ओनली इन डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोनोमरोलॉजी। उसके साथ में रेवा जी, जय माता दी, जय माता दी। Allow the flow of positive energy to enter into all aspects of your life. Stability into your relationships. Prosperity into your business. And peace into your home. Balance the 5 elements of nature. Follow the principles of Vastu Shastra. Visit divinevastu.net. Reva Kumar, your Vastu Shastra specialist.